नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मंगलवार 19 नवंबर 2019 को भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तंत्र साधना के लिए काल भैरव अष्टमी उत्तम मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भैरव बाबा भगवान शंकर के ही अवतार हैं। भैरव साधना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भैरव साधना काफी कठिन होती है और भैरव बाबा की साधना में सात्विकता और एकाग्रता का ध्यान रखना होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान शिव ने भैरव बाबा के रूप में अवतार लिया था। इसी उपलक्ष में इस तिथि पर व्रत और पूजा का महत्व है। भैरव बाबा का हिंदू देवी देवताओं में बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें दिशाओं का रक्षक और काशी का संरक्षक भी कहा जाता है। बटुक भैरव और काल भैरव यही है। भैरव बाबा कई रूपों में विराजमान है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत और पूजा उपासना करने से शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस दिन भैरव बाबा की विशेष पूजा अर्चना करने से भी सभी तरह के पाप भी धुल जाते हैं। इस तिथि पर श्री काल भैरव जी का दर्शन पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भैरव जी की पूजा उपासना करने से मनोवांछित फल मिलता है। इस दिन भैरव बाबा की पूजा अर्चना करके भक्त निर्भय हो जाता है और सभी कष्टों से मुक्त रहता है। इस दिन भैरव बाबा की पूजा और व्रत करने से समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इनके भक्तों से भूत पिशाच और काल भी दूर रहता है। भैरव बाबा की साधना करने से क्रूर ग्रह के प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। इनकी साधना करने से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। भैरव बाबा की उपासना षोड़ सोपचार पूजन सहित करनी चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात में भजन कीर्तन करते हुए भैरव कथा और आरती करने से विशेष लाभ मिलता है। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।